शांति। आज की तारीख है 6/8/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हमें माया से मुक्त करने वाले और मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे माया की पीड़ा से बचने के लिए। पीड़ा माना असहनीय, जब दर्द होता है तो कहेंगे बहुत पीड़ा हो रही है, तो माया ने भी क्या किया, हमें बहुत ही तकलीफें दी, बंधन में रखकर हमें पीड़ा पहुंचाई है। तो माया की पीड़ा से बचने के लिए क्या करें हम, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। अगर ये अंतिम जन्म एक जन्म अगर हम बाप की शरण में गए, वो भी माया के बंधनों से छूटने के लिए, तो बाबा देखो कितनी बड़ी भारी प्राप्ति कराते हैं कि 21 जन्मों के लिए हम माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूज्यनीय बन जाते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूज्यनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कौन से भूत? 5 भूत। हाँ, सभी जानते हो कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी में भूत देखो, जैसे कोई क्रोध करता है या कोई मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो, उससे दूर रहो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो, सच्ची सच्ची राखी बांधो। राखी भी आ रही है तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची बाप से राखी बंधवाओ। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सारी दुनिया पतित है, विकारों के वशीभूत है, तो उनको पावन बनाने की सेवा करनी है और बाप का मददगार बनना है। नंबर 2 है, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप कर लेना है, माना हमें अपने पास ले लेना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है आज का, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। तो आज व्यापारी बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा ने बहुत ही अच्छी राज की बात सुनाई है। अवश्य जो भी व्यापारी गण होंगे उन्होंने ये नोट किया होगा। स्लोगन है आज का, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति।